हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू रंजन और आप सभी को जय गुरु और गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ मेरा देखिए काम सारा हो गया है, तो मैं किचन के जो कपड़े हैं मैं सोचती उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो देखिए उसे क्लीन करने के लिए मैंने सॉस पैन में गर्म पानी लिया है और यानी गैस पे पानी रख दिया है, तो पानी गर्म हो रहा है और उसमें जो भी कपड़े हैं किचन के तो वो मैं इसमें देखिए सर्फ डाल दिया है, कपड़े भी मैं डाल दी हूँ, उसे क्लीन करना है मुझे। तो ऐसे नॉर्मली सर्फ से आप साफ़ कीजिए तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होता है। अगर आप ऑयली चीज़ नहीं भी उसमें पोंछिए लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा ऑयली टाइप हो जाता है, किचन के कपड़े थोड़ा हो जाता है ना उसमें। और देखिए ये कितना गंदा हो रहा है, तो ये मेरा पानी खोल गया अच्छे से, उसके बाद फिर थोड़ा ठंडा, अभी गर्म ही है, उतना नहीं है तो थोड़ा गर्म ही है। ठंडा होने के बाद देखिए कि मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, 5-6 पानी से मैंने वॉश किया था। जब पानी इसका अच्छा साफ़ आने लगा ना उसके बाद फिर मैं इसे निकाली थी, तो मैं सबको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ऐसे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसका जो ऑयली रहता है वो भी निकल जाता है ऐसे। तो आप लोग भी ऐसे ज़रूर क्लीन कीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है ये। मैं बहुत 5-6 पानी से वॉश किया, बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। तो फिर देखिए इसको मैं अब छत पे डाल दूँगी साफ़ करने के बाद। तो देखिए ये मेरा कितना साफ़ पानी आ गया है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। क्या कर रहे हो सोनू? पापा को तेल लगा रहे हो? क्यों? 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 दोनों लगा रहे हैं। पापा के साथ तो बात होता है। क्या? क्या? सही है ना? बेटियां बहुत प्यारी होती है क्या सर जी? हाँ। आपकी दो दो बेटी है तो हम देखिए सेवा कर रही है। पापा जी आपकी ये बेटी पसंद है? इधर लगाओ, इधर आप अपना बाल सही कीजिए बेटा जी। इधर लगाओ कृपा जी, बाल सही कीजिए। आग देखिए बाल आ गए आगे। आए बिट्टू पशु, मम्मा को भी लगा दोगे सुना? बिट्टू मम्मा को भी मालिश कर दोगे? बिट्टू ऐसे करो, देखो ना इधर, मम्मा को भी कर दोगे मालिश? हैं, बाल में तेल लगा दोगे मम्मा को भी? हाँ सर, पहले लगाऊं? कहाँ जा रही है, पहले मेरा लगाओ ना। नहीं अब मम्मा का, पापा को हो गया, काफी देर से लगा रहे हो। नहीं, हो गया। सही है, मजा आ रहा है क्या सर? नहीं, सर जी दोना। मजा आ रहा है क्या? आप ही का सही है। मुझे भी मालिश करोगे सुनो? बाद में, बाद में। पापा तेल खत्म? नहीं है। हाँ? नहीं है। तेल तो खत्म हो गया पूरा। नहीं है, अब अभी का बैठ करूंगी। कौसकी पापा का, कौसकी पापा का। हाँ। कोशु क्या कर रहे हो बेबी? पापा का बाहर जा रहा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं खुशबू रंजन और आप सभी को जय गुरु। और अभी शाम के बज गए हैं 7:15 और मैं अभी जस्ट प्रार्थना करके उठी हूँ। शाम का प्रार्थना जो होता है ना, बस अभी प्रार्थना किया, उसके बाद मैं सोची आप लोग से बातें कर लूँ। सुबह से बात नहीं किया, कल भी मेरा कोई वीडियो नहीं गया। एक्चुअली कल इसलिए वीडियो नहीं जा पाया कि जैसे मैं एडिटिंग करने बैठी ना तो मैंने देखा कि मैं राजमे की सब्जी बनाई थी तो वीडियो ही कैमरे में कैच नहीं हुआ, यानी कि मैं वीडियो ऑन करना भूल गई होगी, तो वीडियो नहीं था तो क्या अपलोड करती, तो इस वजह से मैंने नहीं किया। तो आज फिर अभी सो के, मतलब सुबह ही सो गई थी एक बार, फिर शाम, फिर 4 बजे शाम को सोई थी। तो अभी और मैं सारा काम करके सोई थी, बर्तन वर्तन धो के सोई थी, शाम का कुछ काम नहीं बचा हुआ था। तो अभी उठी हूँ, हाँ दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, बाबू लोग को दूध दूँगी। प्रार्थना कर लिया और बस सब
डिनर बनाना है तो डिनर में क्या बनाऊंगी अभी तो नहीं सोचा है। नहीं जाएगी। हाँ? जाएगी पार्क? नहीं बेटा अभी कहीं नहीं जाना है, सभी जगह बंद है, अभी घर से नहीं निकलना है बिल्कुल भी, घर में रहना। ये लोग घर में रहती है ना इतना बोर हो जाती है मम्मा का। पार्क बंद है? हाँ बेटा पार्क बंद है अभी। तो कैसे जाएगी? तो सारे बच्चे आएंगे तो फिर सारे बच्चे नहीं आएंगे बेटा, सबको पता है कि नहीं आना है। सब सब मास्क लगा के रहिएगा, हम भी लगा के रहते हैं। अभी आप लोग से बातें करने के लिए इसको उतारे हैं। और छोटी बाबू तो मेरी नहीं लगाती है, बड़ी वाली को मैं देती हूँ कि लगा के रहो, तो वो लगा के रखती है ना बेटा जी, वो लगा के रखती है। उठ जा, ये नहीं लगाती, इतनी बदमाश है, लेकिन बड़ी वाली मेरी लगा लेती है, मेरी अच्छी है। नहीं बेटा आप लगा के रहते हो ना, तो आप लोग भी लगा के रखिएगा और प्लीज घर से बाहर नहीं निकलिएगा। अपना सुरक्षा अपने हाथ में है, तो अपना सुरक्षा खुद कीजिए, दूसरा तो कह सकता है ना, करवा तो नहीं सकता है। तो प्लीज आप लोग घर से बाहर नहीं निकलिएगा, रिक्वेस्ट है, अपने घरों में रहिएगा, क्योंकि अभी जो बुरा स्थिति है, जो प्रलय कहते हैं ना, जो वो प्रलय आ गया है अब। अगर आप घर में हैं तो सुरक्षित हैं, तो ऐसे घर में भी नहीं कर सकते सुरक्षित हैं, क्योंकि कुछ लोग तो हैं जो कि बाहर जाते हैं। एक मिनट, बहुत ये लोग चिल्ला रहे हैं बेटू नो। तो जैसे हैं कि या मेरे हस्बैंड नहीं तो डेली ऑफिस भी जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं इस बच्चे तो आते हैं, तो मैं बोलती पहले पहले अच्छे से हैंड वॉश करते हैं, फिर सैनिटाइजर करते हैं, जो भी कपड़े पहने रहते हैं। तो मैं अभी दूध गर्म कर रही हूँ और बाबू लोग को भी दूध दूंगी, उसके लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है दूध, उसके बाद दूंगी। ये लोग घर में रहती है, बहुत चिल्लाती है, मैं मना भी नहीं कर सकती ना, क्योंकि क्या करेंगे बच्चे घर में रहेंगे तो परेशान तो करेंगे ही ना, तो मैं कितना मना करूँ, छोड़ देती हूँ। यार ठीक है, आप लोग चिल्लाइए, आज खूब मालिश हुआ पापा की, चंपी की, मुझे तो थोड़ा बहुत लगाया, फिर मैं सो गई। मैं अभी बाल भी नहीं झाड़ी, सो के उठी हूँ, बाल भी नहीं झाड़ी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया ना, अब रात में झाड़ूंगी सोने टाइम। तो चलिए छत पे थोड़ी देर। हाँ चलिए, तो चलिए फिर देखते हैं अभी डिनर में क्या बनाते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। अभी थोड़ी देर छत पे जा रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए मैं डिनर बना रही हूँ, तो डिनर में मैं बनाऊँगी मक्के की रोटी। हमारे यहाँ मक्के की रोटी कैसे बनती है वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मक्के की रोटी तो सब बनाते होंगे, लेकिन अपना अपना बनाने का तरीका है, तो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मक्के का आटा लिया है और गेहूँ का आटा लिया है, दोनों बराबर ही रखिएगा, जितना आप मक्के का आटा लीजिएगा उतना ही गेहूँ का आटा लीजिएगा। थोड़ा मैं मक्के का आटा ज़्यादा ली थी, गेहूँ का आटा कम, तो उससे क्या हुआ ना कि थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है इस वजह से। तो आप बराबर लीजिएगा दोनों चीज़, तो उसके बाद उसको अच्छे से खूब मलिएगा। देखिए जैसे मैं मल रही, पहले तो उसको मिक्स कर लेंगे पानी डाल डाल के, उसके बाद देखिए जब मैं एक वो एक मतलब यानी जो एक लोई होती है ना, जैसे एक रोटी जो बनाना है, मैं उसे एक रोटी के लिए मल रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और गैस कम करके इसको पकाइएगा, बहुत अच्छे से पकता भी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैं इसका लोई तैयार कर ले रही हूँ, और देखिएगा मैं कैसे इसको बनाती हूँ। इसको मैं हाथ से ही करूँगी, बेलन से नहीं बनाऊँगी, तो थोड़ा सा मुश्किल ये आया था ना मेरे साथ कि मैं बताई ना कि मक्के का आटा थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया और इस वजह से थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो ये टूट रहा था। मक्के का और गेहूँ का आटा दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर ही लीजिएगा। तो पानी लगा लगा के उसको ठोकिएगा, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, हाथों में पानी लगा लीजिएगा, और देखिए ये टूट के गिर रहा है एक्चुअली। और देखिए इधर गैस ऑन करके तवा भी रख सकते हैं, तो आप बराबर लीजिएगा, तो इस तरह से नहीं फटेगा और ना ही आपका टूटने का डर रहेगा। और इसको नमक
और सूखा मिर्च यानी जो रेड चिली होता है ना वो सब के साथ खाइएगा बहुत ज़्यादा। और उसमें नमक और सरसों का तेल ये सब और अचार का मसाला ये सब मिला के खाइए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मैं देखिए अभी तो गैस का फ्लेम तेज है लेकिन आप कम कम करके ही पकाइएगा, फिर मैं देखिए मैं कम कर दूंगी, देखिए मेरा कम है और मैं कम करके ही पकाऊंगी, कम करके पकाने से अच्छे से पक जाता है। तो इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेकिएगा और अच्छे से ये पक जाएगा, उसके बाद ही फिर उसको निकालिएगा। तो दोनों साइड से अच्छे से सेकिएगा। तो देखिए एक मेरा बन के तैयार हो गया है, देखिए कैसा बना है, दोनों साइड से हमने सेक लिया था। और ये देखिए वही जो मैं बताई ना, अचार का मसाला, मिर्च, नमक ये सब है। तो फ्रेंड्स अभी मेरा सारा काम हो गया है और हम लोग का डिनर हो गया है, बर्तन भी साफ करके रख दिए हैं और अब एक मिनट लाइट नहीं ऑन हो रही है, इधर ही बात कर लेती हूँ। दोनों बाबू को भी सुला दिया है, वो दोनों दिन में नहीं सोई है तो रो रही थी सोने के लिए, तो दोनों को सुला दिया है। और बस हम लोग भी अब मैं थोड़ा वीडियो का एडिटिंग कर लूँगी तो, और मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में टाइम अगर मिला तो मॉर्निंग में अपलोडिंग करूँगी। अब देखिए कब जब टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी, वैसे मेरा रात को रहता था ना तो मैं सोच रही हूँ रात में एडिटिंग करके मॉर्निंग में इसको अपलोड, रात में एडिटिंग करके और मॉर्निंग में अपलोड कर दूँ, देखिए कैसे क्या होता है। और प्लीज़ आप लोग सेफ्टी से रहिए, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए, और हल्दी ज़रूर लीजिए, चाहे आप गर्म पानी के साथ लीजिए, चाहे आप दूध के साथ लीजिए, जैसे लेना है, लेकिन हल्दी आपके पेट में जाना चाहिए। नीम के पत्ते खाइए, ये सब चीज़ें आप लोग लीजिए, अपना सुरक्षा अपने हाथ में है, कोई सुरक्षा हमारा नहीं कर सकता, अपना सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना सुरक्षा कीजिए और जहाँ तक हो बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए, घर में ही रहिए। और ये तो है कि तरह अंदर रहते रहते घुटन सी होती है, लेकिन क्या करें, रहना तो है ही ना। तो चलिए, और पता नहीं क्या हो गया है, फिर से दाने निकल आए हैं, मेरा थ्रेडिंग भी कितना ज़्यादा ही हो गया। और दोनों बाबू सो गई है और टाइम भी तो हो गया ना, टाइम भी 9:30 हो गया है। तो चलिए गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।